जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ फ्रेंड्स शाम के टाइम से। और आज 4 तारीख है तो चारों तरफ बर्फ़ और बारिश। हमारे यहाँ पे भी हल्की हल्की बारिश के साथ हल्की हल्की बर्फ़ और बारिश काफ़ी तेज़ लगी थी, पर अभी थोड़ी थम चुकी है। ये 4 बजे का टाइम है, अभी बारिश थम चुकी है, थोड़ी हल्की हो चुकी है और ज़ोर से पड़ने लगी है बर्फ़। तो हालांकि इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ी, साथ में पड़ते पड़ते ही पिघलती रही। और ये देखिए सामने जो हमारे घर के साथ जो घाटियां हैं वहाँ पे किस तरह की बर्फ़ पड़ रही है। और मैं जा रही हूँ कहाँ, मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने। मैंने कहा था हमारे यहाँ पे हर हफ्ते सब्ज़ी वाले की गाड़ी आती है, तो बस वहीं जा रही हूँ। और छाता लेकर के नहीं जा रही हूँ, क्यों? क्योंकि हवा लगी है तो बोरी लेकर के जा रही हूँ। थैली की जो झूम बोलते हैं हम उसको बना करके, क्योंकि यहाँ से तो उड़ जाएगी जो छतरी है, उड़ जाएगी। और ये देखिए इनकी भी अभी ना पीछे जो छाता लेके खड़े हैं इनकी भी उड़ गई थी। तो मैं यहाँ पे खड़ी थी सड़क में और सब्ज़ी ले रही थी। ज़्यादा कुछ नहीं लेती हूँ, बस आलू प्याज थोड़ा सा, और आज मैंने जो लिया है वो पालक, तो ज़्यादा कुछ नहीं। और मुझे कह रहे थे कि आप जो नीचे वाले हैं उनको भी बुला लाइएगा। और देखिए बर्फ़ पड़ रही है हल्की हल्की सी, और मौसम बिल्कुल एकदम से ठंडे वाला हो गया है। और फ्रेंड्स आप सभी भी ठंडी में अपना ध्यान रखिएगा, खूब सारा अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा होता है कि बस अगर हम तो अपना ध्यान रखते हैं पर बच्चे हमारे बीमार हो जाते हैं। मेरा भी बेटा बीमार है और मैंने उसको डॉक्टर के पास दिखाना ही पड़ा मुझे। तो सब्ज़ी मैंने ले ली और यहाँ से थोड़ा बहुत शूट भी कर लिया। अब चलते हैं घर की तरफ। और घर में जाते ही सबसे पहले मैं करने लग पड़ी थी काउ मिल्किंग। ये तो करना ही पड़ेगा, जो हमारा डेली का रूटीन है काउ मिल्किंग का। इसके लिए तो चाहे बर्फ पड़े या फिर धूप हो, कुछ भी हो, बट एक टाइम है, इससे कभी आगे पीछे नहीं होता। हाँ थोड़ा बहुत जो है वो आगे पीछे हो जाता है, आधा पौना घंटा, बाकी नहीं होता, क्योंकि ये डेली का ही काम है और ये डेली ही करना पड़ेगा। और इग्नोर कीजिएगा पीछे से गाय की, अगर आपको आवाज़ आ रही होगी फ्रेंड्स तो इग्नोर कीजिएगा, ये दूसरी साइड है गाय। और मैं लग पड़ी थी काउ मिल्किंग करने, तो अंधेरा हो गया था यहाँ पे बारिश की वजह से, तो मुझे लाइट चलानी पड़ी। और मेरे पास वैसे भी मुझे बोलते हैं कि आप काउ मिल्किंग की वीडियो बनाइए। हाँ रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं होता एक ही चीज़ वीडियो में डेली दिखाना, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा, पर कभी कभी मैं काउ मिल्किंग की वीडियो लेकर के आ जाती हूँ आप लोगों के बीच में। और ये स्नोफॉल वाली वीडियो आज ठंडी ठंडी में काउ मिल्किंग करी, और हाथ में ठंडे हो रहे थे क्योंकि मैं डायरेक्ट ही जैसे मैंने वो सब्ज़ी का बैग रखा घर में वैसे ही बाल्टी उठाई और मैं डायरेक्टली आ गई काउ मिल्किंग करने, तो हाथ ठंडे हो रहे थे और जल्दी जल्दी में काउ मिल्किंग भी नहीं हो रही थी। तो अभी काउ मिल्किंग करके फिर चलते हैं किचन की तरफ, और अभी टाइम है बहुत ज़्यादा। तो हमने कर ली काउ मिल्किंग और अभी टाइम हुआ है 4:30 और बाहर हो रही है स्नोफॉल और बारिश, ऊपर से कुछ गिर रहा है, इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स। ऊपर जो तूड़ी होती है गेहूं की वो भरी है, तो जब हिलते हैं क्योंकि ये छोटी है और मेरी हाइट से भी, तो मुझे ना झुक झुक के जाना पड़ता है यहाँ से। और देखिए बाहर का जो मंजर है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है बट थोड़ी हल्की हल्की सी है, ज़्यादा नहीं है। और ये जो स्नोफॉल है ये फर्स्ट स्नोफॉल है 2022 की फरवरी में, जो हमारे गांव में पड़ी है, पहली बार हमारे विलेज में पड़ी है। तो कहते हैं कि जब बारिश होती है, बर्फ़ पड़ती है, अधिक ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो जो बीमारियां होती है अनेकों बीमारियां मर जाती है, जो गंदे कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं। तो देखिए कितनी फ़ायदेमंद है हमारे लिए बर्फ़, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है। और ये बर्फ़ 4 साल बाद
इस तरह की जो वर्क है वो 4 साल बाद हमारे गांव में पड़ी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा। काउ मिल्किंग हमने कर ली, ये तो करनी ही पड़ती है, चाहे सर्दी हो, बर्फ़ हो, जो मर्जी हो, करना पड़ता है, डेली का रूटीन है। और हमारा जो विलेज लाइफ स्टाइल है वो है, तो इसे तो हम नहीं छोड़ सकते। तो हो गई हमारी काउ मिल्किंग, चलते हैं अब किचन की तरफ कुछ बनाने के लिए। और पशुओं को अभी घास नहीं दिया क्योंकि मैंने इनको खाने को अभी दी है फीड, तो अभी थोड़ी देर बाद देंगे घास, तब तक कुछ खुद बना लेते हैं खाने के लिए। और हमने एंट्री कर ली रसोई में और आज बनाएंगे पालक की भुर्जी। कैसे बनाऊंगी, आप लोग भी बने रहिएगा वीडियो में। और जो नए आते हैं मेरे चैनल पर उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। मैं डेली ब्लॉग्स, अपना जो डेली का रूटीन होता है वही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। जैसी मेरी डेली की लाइफ है, जैसी मेरी सिंपल सी लाइफ है, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और मुझे पता है आप लोग पसंद भी बहुत करते हो। तो देख के यहाँ पे मैं इसको छांट रही थी जो पालक है उसको, और पहले मैंने इसको एक बार धो लिया, लाते ही जैसे ही घर लाई थी वैसे ही धो लिया था एक बार, और अब मैंने इसको छांट लिया है, छांट छांट के अलग कर दिया है क्योंकि इसमें ना मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है जो पालक हम लेते हैं मार्केट से। और अब मुझे इसकी जो पीली पीली पत्तियां हैं वो मैंने छांट काट के साइड में कर दी हैं, इसकी जड़ें साइड में कर दी है, और जो इसके साफ साफ पत्तियां हैं साग बनाने लायक वो मैंने साइड में रख ली है। और अब मुझे इसको एक बार फिर से धो लेना है, अच्छे ढंग से धो लेना है, पहले भी धोया है फिर से धो लूँगी, कोई हर्ज नहीं है क्योंकि मिट्टी बहुत है। और देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोसा पानी फेंका है, पर आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, पर ये गर्म नहीं है, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठंडी हवाएं चल रही है, इसकी वजह से ये ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी है। तो इसमें मैंने इसको फिर से 2 बार धो लिया साग को और काट लिया, मैंने इसी पे काटती हूँ जब भी साग बनाती हूँ तो इसी पे काटती हूँ, फिर मेरे ये बार बार काटने के काम आता है और मुझे ना इधर उधर भी फिर भी ये वेस्टेज नहीं जाता। तो यहाँ पर मैंने रख ली है कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दिया तेल, तेल पहले मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था क्योंकि धुआं लग रहा था और मुझे दिख नहीं रहा था, पर जब इसकी ओर ध्यान गया तो मैंने आधा इससे उठा लिया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा था तेल। और कटी हुई प्याज मैंने साथ में रख ली है, बस ज़्यादा ताम छाम वाला कुछ भी नहीं बनाती हूँ, सादा सिंपल सी रोटी सब्जी जो भी बनाती हूँ जिस तरह से बनाती हूँ मैं वैसे ही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और हाँ, जो फ्रेंड्स सिंपल तरीके से रोटी सब्जी बनती है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा। ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि ये सच में अच्छी होती है। खैर, जो सिंपल सादी रोटी बनाते हैं लोग उनको पता होगा। और यहाँ पे बस थोड़े से सूखे मसाले और थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा प्याज, बस मुझे इसको भून लेना है अच्छे से। मेन क्या होता है, अगर हमारा तड़का अच्छे से पक जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, तो फिर जो हमारी सब्ज़ी होती है वो टेस्टी बनती है, फिर चाहे वो कोई भी सब्ज़ी हो, कोई भी साग हो। और यहाँ पे तड़का मेरा हो गया तो इसमें मैंने डाल दी वो कटी हुई पालक जिसकी हमें बनानी है भुर्जी, पालक की भुर्जी। और वैसे तो पालक पनीर भी बनता है, चावल के साथ भी ये साग बनता है, आलू पालक भी बनता है, कई तरह से बनता है। और आज दूध वाले की छुट्टी थी, यानी कि सुबह दूध वाला नहीं आया, और मुझे पता होता कि वो नहीं आएंगे तो मैं पनीर और पालक बनाती, बट दूध मैंने रखा हुआ है घर में और बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि मम्मा आप बनाइएगा ज़रूर, पालक पनीर बनाइएगा, बट नेक्स्ट बार बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी मैं। और देखिए यहाँ पे मैंने इसमें सारे मसाले इसी तरह से हल्के हल्के से चला लेना है, और मुझे इसमें पानी नहीं मिलाना है क्योंकि पानी इसमें ऑलरेडी होता है। बस 10 से 15 मिनट मुझे इसको थोड़े से देर पका लेना है जिससे कि मेरी जो ये भुर्जी है ये अच्छी तरह से बन जाए। और मैं इसको बीच बीच में चेक कर रही थी, पर आप लोगों को पता है अभी शाम का टाइम है, रात का डिनर बन रहा है, और जो मेरा वंश है वो पूरी
जब तक मैं सोऊंगी नहीं तब तक पूरा बस गोदी में बैठा रहेगा, गोदी में बैठा रहेगा। और फिर मुझे दिक्कत भी हो जाती है कई बार जब मैं रोटी बनाने लगती हूँ, पर मुझे इतनी भी दिक्कत नहीं होती, वो मेरा क्यूटू सा बेबी है। और देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो भुर्जी है वो बिल्कुल बन करके तैयार हो चुकी है। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, क्योंकि हम तीन हैं और वंशु इतना नहीं खाता, थोड़ा बहुत खाता है। तो यहाँ पे हमारी जो पालक की भुर्जी है वो बन करके तैयार हो चुकी है। माफ़ कीजिएगा, गरम गरम है तो इसमें से धुआं उठ रहा है, पर ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बनी है। जिसको पालक पसंद भी नहीं है वो भी खाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे अक्सर पालक बनाती हूँ तो नाक चढ़ा देते हैं, और जब मैं ये पालक की भुर्जी बनाती हूँ तो मज़े से खा लेते हैं। तो ये हमारी आज की स्पेशल डिनर में बनी हुई है पालक की भुर्जी। और बताइएगा आपको कैसी लगी ये मेरी रेसिपी एकदम गांव वाले तरीके से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा मुझे कमेंट प्यारा सा। और आइएगा आप सब भी हमारे साथ में डिनर कर लीजिएगा।